है फायर बैकग्राउंड। फाइल में जाओगे, फाइल में जाने के बाद न्यू, न्यू में जाने के बाद यहाँ से आप जो है ले सकते हो 800x600, यहाँ से रेजोल्यूशन 300, ठीक है, ओके करेंगे। यहाँ से जाने के बाद अब आपको क्या करना है, पहले ये देखना है फोरग्राउंड कलर आपके पास ब्लैक और बैकग्राउंड जो है वो वाइट होना चाहिए। यहाँ से जाओगे फिल्टर में, फिल्टर में जाने के बाद रेंडर, रेंडर में जाने के बाद क्लाउड्स। जब आप यहाँ से क्लाउड्स तक करते हो तो आपके पास फिल्टर, फिर डिस्टॉर्ट, कॉलर कॉर्नर। यहाँ से जाने के बाद कॉलर टू रेक्टेंगुलर रखेंगे एंड ऑफ कर देंगे, तो यहाँ से इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ तक आने के बाद अब आपको क्या करना है, इसको हमें रोटेशन देना है, तो इमेज पे जाने के बाद रोटेट कन्वर्स एंड वर्टिकल। तो जब आप वर्टिकल करते हो तो जिससे कि आपके पास ये इस तरीके से कुछ इफेक्ट्स आएगा। उसके बाद आपको कलर डालना है, एडजस्टमेंट में जाने के बाद व्यू सैचुरेशन, व्यू सैचुरेशन में जाने के बाद कलराइज पे क्लिक करेंगे। कलराइज पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको क्या करना है, इसको थोड़ा आगे रेड कलर शो आउट करना है, इस तरीके से 11 और 83 यूज करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको इसकी कॉपी करनी है। इसकी कॉपी करने के लिए हम कंट्रोल जे या फिर उस वाले लेयर को मूव करते हुए लेयर पे छोड़ सकते हो, जिससे कि आपके पास की कॉपी हो जाएगी। अब इस कलर को आपको इससे थोड़ा डिफरेंट रखना है, तो वापस इमेज एडजस्टमेंट एंड व्यू सैचुरेशन, यहाँ से कलराइज पे क्लिक करेंगे। यहाँ से जाने के बाद कलर को थोड़ा आगे बढ़ाओ, यहाँ से जाके इसको यहाँ से आपको 36 रखना है और इसको 1895 रख लेंगे, ठीक है, ओके करोगे तो दोनों कलर हमारे पास डिफरेंट हो गए। उसके बाद जाके आपको क्या करना है, वन बाय वन आप इसको चेक कर सकते हो कि कैसा इफ़ेक्ट आपको फायर इफ़ेक्ट के लिए चाहिए। जैसा भी फायर इफ़ेक्ट आप यूज़ करना चाहो उस तरीके का आप इसको फायर बेस रख सकते हो। हम जो है नॉर्मल इसको लेने लाइट रखते हैं ताकि आपकी तरफ ज़्यादा इफेक्टिव होता है, और उसके बाद जाके इसको कंट्रोल ई लॉक कर देंगे। यहाँ से जाके आप लेयर में भी जाके इसको लॉक कर सकते हो, मर्ज डाउन कंट्रोल शिफ्ट ई, और फिल्टर में जाके आप इसको ब्लर कर सकते हो, ब्लर और ग्रेसलेंट ब्लर। जिनकी यूजिंग हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे पास जो है थोड़ा जैसा हमारे पास फायर होता है उसके अकॉर्डिंग हम इसको यूज़ करते हैं। तो हम इसको जो है 3.3 ले लेते हैं एंड तो आपके पास इस तरीके से फायर कट तैयार होगा।